नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर लगातार गिरावट गहराती हुई नजर आई है और अब हमने 1630 का रादर 1830 का स्तर, जो कुछ समय तक यहां पर सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा था, उसको भी टूटते हुए देखा है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की। यहां पर सारा जो डेटा आया है यूएस की तरफ से, वो ऑन द पॉजिटिव साइड आया है। डॉलर इंडेक्स यहां पर 7 हफ्ते के हाइस पर कारोबार कर रहा है और बाजार को लगता है कि एक और स्ट्रांग रेट हाइक यहां पर देखने को मिल सकती है। उसका असर हमने यहां पर क्रूड में देखा है, जहां पर लोअर लोज बनते हुए नजर आए हैं। साथ ही बात करेंगे यहां पर कैस्टर की, जहां पर माना जा रहा है कि उस बार उत्पादन ज्यादा होगा, लेकिन उसके सामने मांग और प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, उस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, साथ ही इब्जा के डायरेक्टर सुरेंद्र मेहता भी हमारे साथ हैं। हम सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और शुरुआत यहां पर सोने के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर लोअर लोज हैं और भी मुनाफा वसूली ओवर द वीक हमने यहां पर बनते हुए देखी है। जतिन, आपको भी लगता है 55,000 बहुत जल्द यहाँ पर सोने में देखने को मिलेगा? मनीषा, 55,000 इज रिलेटिवली जस्ट अ साइकोलॉजिकल नंबर, ये इमीडिएटली एक दो दिन के अंदर ही आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जो वीकनेस है वो कंटिन्यू नहीं रहनी चाहिए। यस, डेफिनेटली फंडामेंटली जो नंबर्स हैं जो गोल्ड सिल्वर के फेवर में चाहिए थे वो नहीं है। इनफैक्ट इकोनॉमिकली जो उनके नंबर्स आने चाहिए थे ऑन द वीकर साइड, विच इज नॉट बीइंग स्टिल इंड्यूस्ड, तो बहुत ज्यादा रूम है उनके पास इंटरेस्ट रेट हाइक को और बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी जो अभी एक डर जो बैठा है वो है 5% के ऊपर से फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक आना, जो मोर देन 13-14 ईयर्स के बाद होगा फिर से। 2008 में जो हमने सिनेरियो देखा था रिसेशन के टाइम पर, जब 5% के ऊपर इंटरेस्ट रेट आ गई थी, तो उसके बाद से एक बड़ी क्राइसिस भी देखने मिली थी। तो ये एक डर जो है वो कहने की लगा हुआ है मार्केट के अंदर कि फिर से 5% के ऊपर इंटरेस्ट रेट आना, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कितने टाइम तक रहेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5% आने के बाद अगर रिवर्स आना शुरू हो जाता है या पॉज होना शुरू होता है मार्केट में डेटा स्पेसिफिकली, तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव रुझान बन जाएगा। लेकिन 5% के बाद अगर और आगे बढ़ते रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस पॉइंट रह जाएगा और डॉलर इंडेक्स जो है वो आपको फिर से 107-108 के लेवल्स जो है वो छूते हुए देखने मिलेगा। और उसका जो रिपल इफेक्ट है वो गोल्ड सिल्वर के अंदर यहाँ से करीब करीब 5-7% की और करेक्शन जो है वो प्राइसिंग करते हुए देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली 56,000 एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनता हुआ रहेगा अभी इमीडिएट बेसिस पर, और लोअर एंड पर 54,000 से लेकर 53,500 ये लेवल्स मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। ये जो करंट सीरीज है उसके अंदर इमीडिएटली जो सपोर्ट है वहां पे प्लेस है, तो उसके पहले तो कहीं पे भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं। 55,000 इज जस्ट नंबर विच इज वी थिंक इट एज अ कम्फर्टेबल नंबर, बट आई थिंक 53,500 के आसपास के लेवल्स आते हैं तब मैं रिव्यू करूंगा कि वहां से अगर ये बाउंस बैक करेगा या नहीं। मेरे लिए अभी भी ये सेल ऑन राइज कंटिन्यूड है, कमोडिटी स्पेस जो पूरी की पूरी है वो मुझे लग रहा है वीकनेस का दौर जो है और थोड़ा कंटिन्यू रहना चाहिए। जी एब्सोल्युटली, डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 7 हफ्ते के हाइस पर कारोबार तो कर ही रहा है और उम्मीद यही है कि यहाँ से और बढ़ देखने को मिलेगी। और ज्यादातर रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि 107-108 का स्तर डॉलर इंडेक्स में फिर से लौट सकता है। क्लियरली उसका एक इम्पैक्ट हम यहाँ सोने चांदी दोनों पे आता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। जतिन, यहाँ पर कोई टॉप ट्रेड जो निकल के आ रहा है फिलहाल? कॉपर पे हमेशा रुझान आया है, जो सेलिंग का रुझान है वो पिछले हफ्ते 10 दिन से था, थोड़ा सा बेसिंग रेंज में पड़ा था काफी दिनों समय से, 770-760 इस रेंज को तोड़ नहीं रहा था वो नीचे में। पर पिछले 2 दिनों में थर्सडे फ्राइडे के दिन अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई है कॉपर के अंदर, और अभी भी उसके अंदर ही मुझे लग रहा है कि सेलिंग जो है वो और कंटिन्यू देखने मिलेगी। जो बेस मेटल का पैक है वो ही लीड करेगा कॉपर जो है वो। 720-725 के पहले कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन नहीं है, तो उस लेवल तक आने तक मेरा व्यू पॉइंट जो है वो सेल ऑन राइज का मेंटेन है। मार्च का जो वायदा है वो अभी भी मैं रिकमेंड करूंगा कि सेल ऑन राइज की रणनीति अपने 752 से लेकर 755 के बीच में सेल करें, 760 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और लोअर एंड पर इमीडिएट बेसिस पर 740 और एक पोजिशनल स्विंग ट्रेड के हिसाब से 720 का 730 के टारगेट्स इंटैक्ट रखें। मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो है वो वेडनेसडे को आने हैं चाइना के, मुझे लग रहा है उसके पहले जो पोजीशन जो है उसको गर्व भी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसके उस डेटा के बाद एक स्पाइक जो है वो आइदर साइड दिखने मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। सो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है उनके लिए ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, सो इसको ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने के पहले इसमें से एग्जिट कर ले, ये भी मेरी सलाह रहेगी ट्रेडर्स के लिए। जी हाँ, अच्छी खासी मुनाफा वसूली फरवरी के महीने में हमने मेटल्स में आते हुए देखी। जतिन, नेचुरल गैस कैसे देखेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ सपोर्ट पिछले हफ्ते हमने बरकरार आता हुआ देखा था, क्या वो जारी रहेगा इस हफ्ते?
वेरी लाइकली जिस तरह से मार्केट का कंडीशन है मनीषा, सभी कमोडिटीज जब एक वीकनेस का दौर दिखाती है तो नेचुरल गैस जो उसके विपरीत रहता है। जब सभी कमोडिटीज अच्छी खासी रेंज में और पॉजिटिव में थी इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, तब नेचुरल गैस के अंदर स्ट्रॉन्ग हैवी सेलिंग चल रही थी। तो अभी ये जो है थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, सभी कमोडिटीज के अगेंस्ट में है ये, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बाइंग का जो मोमेंटम थोड़ा सा और कंटिन्यू रहना चाहिए। जिस तरह से अभी पिछले हफ्ते अच्छी खासी बाइंग आई है और आज भी मंडे के दिन ओपनिंग वीक में अच्छा खासा गेंस के साथ अभी भी ट्रेड करने देखने मिल रहा है। लवर्स स्पेसिफिक में देख रहा हूँ कि इस हफ्ते 205 के नीचे, 207-205 के नीचे जाते हुए नहीं लग रहे हैं प्राइसेस। सो छोटा मोटा करेक्शन आए 212-215 के आसपास तब उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। स्विंग ट्रेड के हिसाब से 205 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, 230-235 का टारगेट रहेगा। और जो इमीडिएट बेसिस पे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह रहेगी कि 215 के आसपास बाय कीजिए, 212 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 222 के एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे टारगेट के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। दोनों ही पोजीशन के हिसाब से, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी नेचुरल गैस के। ऑलराइट, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं सभी नॉन एग्रो स्पेस में। जतिन बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वापस लौटेंगे ब्रेक के बाद तो बात करेंगे यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की। कैस्टर पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे जयंत एग्रो के अभय उदेशी भी, जुड़े रहेंगे।